मॉर्निंग फ्रेंड्स यूनिट 3 अलजेब्रा लैब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो नम्बर पड़ी प्रीवियस क्लासेस पाकना x3.1 फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट स्क्वायर मेथड फॉर्मूला मेथड पातम नाउ हियर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज वर्ड प्रॉब्लम पाकपर वर्ड प्रॉब्लम कुत्मारी स्टेटमेंटा कुत्टा अ स्टेटमेंट वो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट पड़े अदर नम्बर 3 मेथड एनी मेथड वी कैन फॉलो ओके फॉलो पड़ी नम्बर पड़ना अब यूस पड़े सॉल्यूशन फाइंड आउट पड़नों सॉल्यूशन फाइंड आउट पड़ना कोशन नमक रिलेटडा केटो अल्यूशन नम्बर अद्कु रिलेट पड़ी ओकेवा प्सिजर कुछ स्टेटमेंट नम्बर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट पड़ो ओकेवा एक्साम्पल 3.36 पाक द प्रोडक्ट ऑफ कुमारन्स एज इन इयर्स 2 इयर्स एगो एंड हिस एज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1 मोर देन ट्वाइस हिस प्रेजेंट एज व्हाट इज हिस प्रेजेंट एज अब केटा क्वेश्चन रीड पड़ेंगे द प्रोडक्ट ऑफ कुमारन्स एज प्रोडक्ट ऑफ कुमारन्स एज इन इयर्स टू इयर्स एगो अब रेसक मना अवनो एज अब टू इयर्स एगो अंदेजो हिस् एज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ नालु वर्षों एजो प्रोडक्ट पड़ोना एपी मोर देन ट्वाइस हिस् प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज जास्तिया ट्वाइस हिस् ट्वाइस हिस् प्रेजेंट एज व्हाट इज हिस् प्रेजेंट एज अब केटा सो ना इतक एज मेन पड़े नम्बर इंजा वेरियबाँ ओकेवा ऐसा नम्बर फाइंड आउट पड़पो अब लेट कुमारन्स प्रेजेंट एज ना एक एक्स इयर्स अब टू इयर्स एगो ऑलरेडी नम्बर 9th स्टैंडर्ड पढ़ते मेरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम नम्बर और ईक्वेशन कन्वर्ट पड़ो मेरी इंटर क्वाड्रेटिक ईक्वेशन एल पड़ो 2 इयर्स एगो अर्थम इजल रेसा अब नाम पड़ो 2 इयर्स एगोना सप्रा पड़ो 2 इयर्स आफ्टर अब नम आडो ओकेवा 2 इयर्स एगोन को रेसा सपोज इन 5 इयर्स अब रेसाज 3 इयर्सा अंदमि अब एक्स माइनस 2 प्रसंट एज एक्सा रेसा एक्स माइनस 2 इयर्सा ओकेवा नेक्स्ट कुत्तर 4 इयर्स फ्रॉम नाउ अब इन 4 इयर्स फ्रॉम नाउ अब नालु वर्षम कल्च अब हिस् एज एपी एक्स प्लस 4 इयर्सा इन 5 इयर्स अब इन नालु वर्षम कल्चर एज 9 इयर्सा अंदमि ओकेवा एक्स प्लस 4 इयर्स ओकेवा सो इत वो नाम कुछ स्टेटमेंट अत नम्बर कोशन प्राक्ट आफ कुमारन्स एज अडक्ट आफ कुमारन्स एज 2 इयर्स एगो रेसाड़क कुमारन्सो एजो नालु वर्षको एज प्राक्ट पड़े कोर देन ट्वाइस हिस् प्रेजेंटेज प्रेजेंट एज ट्वाइस टाइम्स प्लस 1 ऐड ओकेवा मोर वो जास्तिया अब कुरक डिपेंड डेटा वो एक्स माइनस 2 2 इयर्स बिफोर अत 4 इयर्स फ्रम नाउ अब एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 इत रे ओकेवा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ईक्वल टू 1 मोर देन कुछ अब 1 प्लस मोर देन ट्वाइस हिस् प्रेजेंटेज अब 1 प्लस 2 एक्स क्लियरा इत नम्बर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पड़नों बाइनोमियल प्रोडक्ट पड़ेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 4 4 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 आर 8 1 प्लस 2 एक्स ना इना पड़े एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स 2 एक्स माइनस 8 ईक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स सो ना सैड 1 प्लस 2 एक्स लेफ्ट हैंड सैड को ईक्वल टू 0 वो सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 8 प्लस 1 प्लस 2 एक्स सैड वो माइनस 1 माइनस 2 एक्स ईक्वल टू 0 प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स कैंसल आई नमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 ईक्वल टू 0 अब इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पड़पे एक्स स्क्वायर 9 माइनस 3 होल स्क्वायर सो पाती फॉर्मूला
x plus 3 into a plus b into a minus b formula சொல்லலாமா அப்ப x plus 3 into x minus 3 equal to 0 சோ ரெண்டு ஃபேக்டர நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் சோ அப்ப x plus 3 equal to 0 x minus 3 equal to 0 அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது x equal to minus 3 சோ minus 3 நம்ம எப்பவுமே நெகட்டிவ் ஏஜ் வந்து நெகட்டிவ் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்ப not taken நம்ம நெகட்டிவ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிரோம் சோ x is equal to minus 3 not taken So, x oda value 3. Appa present age, x dhana appa nama present age a vechirukom. Kumaran's oda present age da x nu vechirukom. So, therefore, Kumaran's present age is 3 years. Purinjuda? Next example parunga. Example 3.37. A ladder 17 feet long is leaning against a wall. If the ladder vertical wall and the floor from the bottom of the wall to the ladder from the right angle right triangle find the height of the wall where the top of the ladder meets if the distance between bottom of the wall to bottom of the ladder is 7 feet less than the height of the wall அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா ஒரு wall ஒரு ladder வந்து பாத்து வச்சிருக்காங்க அது பாத்தீங்க அப்படினா இந்த இதுல இது லேடர் லேடரோட இது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க லெந்த் 17 ஃபீட் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப லேடரோட லெந்த் வந்து 17 ஃபீட் அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த லேடர் வெர்டிகல் வால் அண்ட் ஃப்ளோர் फ्रॉम தி பாட்டம் ஆஃப் தி வால் டு தி லேடர் फ्रॉम தி ரைட் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த லேடரோ இந்த வால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷன் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க Top of the ladder meets if the distance between the bottom of the wall to the bottom of the ladder is 7 feet அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க 7 feet less than the height of the wall அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க 7 feet ல 7 feet less than the height of the wall சோ இப்போ இந்த ABன்றது wall னு எடுத்துக்கோங்க wall உடைய லெந்த நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணப் போறோம் அது x னு வெச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த wall க்கும் அதாவது இந்த wall ல இருக்கக்கூடிய bottom அந்த ladder உடைய bottom இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள distance பாத்தீங்க அப்படினா x minus 7 ஏனா அந்த ஹைட் ஆஃப் தி வால்ல 7 வந்து லெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப x minus 7 அப்படி நம்ம எடுத்துக்குறோம் கொடுத்திருக்க கூடிய गिवन டேட்டால இருந்து நம்ம இத ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா புரிஞ்சதா இது பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிளா இருக்கப்பா ஓகேவா சோ அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன் லெட் ஹைட் ஆஃப் தி வால் ABன்றதா ஹைட் ஆஃப் தி வால் அது x ஃபீட் னு எடுத்துக்கறேன் ஏனா இங்க கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து யூனிட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபீட் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப x ஃபீட் गिवन डेटा लंदा वो कुछ तो कोड़े इन द इधर लंद कड़े से स्टेटमेंट लगे ना दे बीसी इक्वल टू एक्स माइनस सेवन फीट ओके बा इन द इधर अपन में एक्स माइनस सेवन है ये बाय इन द दिन नमक को एक राइट ट्रायंगल आयेगा करना ना नमक राइट ट्रायंगल नो अंदा आवे नमक ये ना नमक न्याबकोरो इन्ना तीरम न्याबकोरो तो पहले नम्बर पिताकरस तेरते यूज़ पना ना ए सी स्क्वायर पिताकरस तेरे ना सोचते ए सी स्क्वायर इक्वल टे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सल्ला में पाए ए सी स्क्वायर इक्वल टे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सो ए सी स्क्वायर है ना दे 17 स्क्वायर इक्वल टे ए बी है ना दे एक्स सो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी है ना दे पाए एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर सो 17 स्क्वायर नमक है ना तेरे यों 289 एक्स स्क्वायर प्लस இது a minus b the whole square formula அப்படி இருக்கறனால எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க அப்ப x square 7 square 49 plus 49 minus 14x ஓகேவா 289 equal to x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 சோ இந்த 289-அ நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தறேன் கொண்டு வந்து equal to 0 னு ஏனா ஈக்குவேஷன் நம்ம equal to 0 னு கொண்டு வரதுனால எல்லா டம்ஸையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துறோம் அப்ப 2 இந்த 289-ஐ அந்த சைடு கொண்டு போறேன் அப்ப 2x square minus 14x plus 49 minus 289 equal to 0 சோ அப்ப 2x square minus 14x 289-ல 49-ஐ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது minus 240 equal to 0 சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா இது எல்லாத்துலயுமே நமக்கு 2 வந்து காமனா இருக்கு அப்ப டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் 2 सब कॉमन ये देखेंगे अपना डिवाइड पढ़ेंगे अगर डिवाइडर बाय टू कोटेंगे अपना ये ना करें क्यों एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस टू वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो ने करें क्यों अपना सो पहले तो हमें फैक्टरिस करना पड़ा फैक्टरिस करना है ना बनना माइनस वन ट्वेंटी अगर तो वन इंटे माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी इधर मल्टीप्लाई पढ़ा ना हमें माइनस वन ट्वेंटी वरना ऐड पढ़ा ना हमें माइनस सब्रा करने में माइनस सेवन करेंगे
அப்போ மைனஸ் 15 இன்டு 8 னு போடும்போது நமக்கு மைனஸ் 120 கிடைச்சோம் 15 ல 8 போடும்போது நமக்கு மைனஸ் 7 கிடைச்சோம் ஸோ இப்போ ஃபேக்டர் என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் 15 இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் 8 ஈக்குவல் டு 0 ஸோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 15 ஈக்குவல் டு 0 எக்ஸ் பிளஸ் 8 ஈக்குவல் டு 0 னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 15 ஆன்சர் போகும்போது பிளஸ் 15 இங்கே பிளஸ் 8 ஆன்சர் போகும்போது மைனஸ் 8 அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 8 ஸோ அப்போ நம்ம எப்பயுமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 8ன்றது வந்து ஹைட்டு நாட் டேக்கன் ஓகேவா இந்த இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 15 நமக்கு எக்ஸின்றது என்ன வச்சுருக்கோம் ஹைட் ஆஃப் த வால் ஸோ தேர்ஃபோர் ஹைட் ஆஃப் த வால் ஏபின்றத எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடச்சிருக்கு 15 feet ஓகேவா புரிஞ்சுதா நம்ம என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா தேங்க்யூ